नंबर, लेन देन नंबर, चेक नंबर हमारा जो भी होगा वो हम अपने चेक से देख के चेक में उसके पास आ जाएगी। ये हमने डाल दिया। कुल प्राप्त राशि, जितनी हमें राशि प्राप्त हुई है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, जितनी भी होगी। 500 रुपए, 2500 स्टार्टअप पे था, 2500 आते थे, अब आते हैं 2500, पहले आते थे 1500, और इसको हम सहजे कर देंगे। यहाँ पे उपस्थित सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम मंजू है, मैं टोल ब्लॉक से सीएलएफ अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हूँ। मैं यहाँ हल्दौर ब्लॉक में लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन के लिए ट्रेनिंग में आई हूँ। मेरा नाम संगीता रानी है, मेरी ग्राम पंचायत सुनसंदा खाकम, मेरे समूह का नाम गांधी जी स्वयं सहायता समूह है और मेरा ब्लॉक नेटोर है। हम लोग हल्दौर में एसएचजी कट ऑफ की ट्रेनिंग लेने आए हैं। सभी को मेरा नमस्ते, मेरा नाम शाइस्ता जदी है, मैं नेटोर ब्लॉक से आई हूँ। मेरे समूह का नाम आशा स्वयं सहायता समूह है। हम यहाँ 3 दिन की ट्रेनिंग, लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन ट्रेनिंग के लिए आए थे। सभी को नमस्कार, मेरा नाम रुखसार अंजुम है, मैं नजीबाबाद ब्लॉक से हूँ और NIRD हैदराबाद से NCRP के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ पर हम लोगों का लोकोएस एप्लीकेशन पर ट्रांजेक्शन की ट्रेनिंग है। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि लोकोएस एप्लीकेशन हमारा 2 चरणों में काम करेगा, जिसका पहला चरण था प्रोफाइल, जो कि हम पिछले 2 सालों में कम्प्लीट कर चुके हैं। अब इसी का दूसरा चरण हमारा शुरू होने जा रहा है, जो है ट्रांजेक्शन, समूहों का, ग्राम संगठन का, CLF का लेन देन, जो कि हमको लोकोएस एप्लीकेशन में कैप्चर करना है। उसके लिए यहाँ पर हमको सबसे पहले जिस भी SHG का हमको ट्रांजेक्शन करना होगा उसका प्रोफाइल कंप्लीट होना अनिवार्य है, और साथ साथ वो BPM द्वारा वेरीफाई किया जा चुका हो। और इसके लिए हमको एक कट ऑफ डेटा तैयार कर लेना है, जो हमारे पुराने SHG हैं, 2 साल 3 साल पहले समूह हैं, उनका हमको एक कट ऑफ डेटा तैयार कर लेना है। फॉर्मेशन से लेकर और मार्च की लास्ट मीटिंग तक हम उसका एक कट ऑफ डेटा तैयार कर लेंगे, और उसके बाद हम उसी को अपने मोबाइल एप्लीकेशन में एंट्री करेंगे। कट ऑफ बनाने के बाद अप्रैल महीने से हमको उनका रेगुलर मीटिंग, जैसे हमारी मीटिंग फ्रीक्वेंसी होगी, वीकली होगी तो वीकली और मंथली होगी तो मंथली, उनका रेगुलर मीटिंग हमको एंट्री करना है। उसके लिए अभी तक हमारी टोटल कितनी मीटिंग हो चुकी है, एक एक महिला की टोटल कितनी बचत हमारे समूह में जमा हो चुकी है, एक महिला के कितने क्लोज लोन हैं, एक महिला के कितने एक्टिव लोन हैं, एक महिला ने समूह में कौन कौन सी प्राप्ति अभी तक हमको दी है, या हमने समूह से कौन कौन से भुगतान किसी एक महिला को किए हैं, समूह ने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, समूह ने कितना ग्राम संगठन से लोन लिया है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा समूह को कौन कौन से फंड की प्राप्ति NRLM या SRLM द्वारा हुई है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर लोकोएस एप्लीकेशन में कैप्चर करेंगे। साथ साथ हमारे समूह का लास्ट क्लोजिंग बैलेंस कितना हाथ में है, कितना बैंक में है, वो चीज़ें हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसी प्रकार हम अपने ग्राम संगठन का लेन देन एंट्री करेंगे, और इसी प्रकार अपने CLF का लेन देन भी लोकोएस एप्लीकेशन में एंट्री करेंगे। इससे हमको फ़ायदा क्या होगा, अभी तक जो हमारा डेटा हम रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं वो ही डेटा हमारा ऑनलाइन हो जाएगा, जिसको अभी तक हम देखते हैं कि जो हमारा डेटा हमारे बुक्स में है इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, इसको प्रॉपरली ब्लॉक वाले, डिस्ट्रिक्ट वाले या फिर स्टेट वाले नहीं देख पाते। अगर यही चीज़ हमारी ऑनलाइन हो जाएगी तो लोकोएस एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन की हुई चीज़ों की रिपोर्टिंग हमारे ब्लॉक स्तर पर ही नहीं, जिला और स्टेट स्तर के लोग भी आसानी से देख सकते हैं। वहीं से पता लगाया जा सकता है हमारे कौन समूह किस ग्रेड के हैं, किसका लेन देन कितना अच्छा चल रहा है, किसकी ट्रांजेक्शन समय से होती है, मीटिंग समय से होती है, बचत समय से होती है। तो ये सब चीज़ें आने से, लोकोएस में हमको एंट्री करने से बहुत ज़्यादा फायदे हो जाएंगे। इस पर काम करने के लिए हमारे समूह की दीदियाँ रहेंगी, जो हमारी एक्टिव वुमेन है, हमारी समूह सखी है, जो आज तक किताबों में लेखा जोखा करती है, वही मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोकोएस एप्लीकेशन में भी इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेंगी। उसी का आपका ये प्रशिक्षण है, जो कि हमारा 3 दिन का है, और इस 3 दिन में हमको कैसे हार्ड कॉपी में डेटा को बनाना है और साथ साथ कैसे लोकोएस एप्लीकेशन में उसको एंट्री करना है, इसके बारे में जानना है।
देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, ये है FDM फंड डिसबर्समेंट मॉड्यूल। तो अगर आपको ये देखना हो कि किस तारीख से किस तारीख तक आपके समूह में SRLM द्वारा कौन कौन से फंड की प्राप्ति हुई है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर है तारीख से, तो आप यहाँ कैलेंडर से डेट को सेलेक्ट करेंगे। आप अपना फॉर्मेशन डेट ले लीजिएगा, जब से हमारा समूह बना है तब से लेकर, और उसके बाद आज तक की डेट आप यहाँ पर ले सकते हैं। आज मई 5 मई 2024 तक आपको SRLM द्वारा कौन कौन से फंड की प्राप्ति हुई है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है जमा करें, इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। डेटा डाउनलोड हो रहा है, ये याद रखना, जब आप ये करेंगे तो आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ये ऑफलाइन नहीं होगा, ये भी काम नहीं कर रहा है। आपको यहाँ पर आ जाएगा कि इस डेट को आपको RF मिला है, इस डेट को आपको CIF मिला है, या कोई अगर अदर फंड आपको मिला होगा तो वो भी आ जाएगा कि इस डेट को आपको ये फंड मिला है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यह बस आपको देखने के लिए कि आपको SRLM द्वारा NRLM द्वारा कौन कौन से फंड की अभी तक प्राप्ति हुई। अब समझ आया जी? फंड डिसबर्समेंट मॉड्यूल।